जब मैंने हेयर कलर का इस्तेमाल करना शुरू किया तो मुझे उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में मालूम था। मुझे पता था कि जो हेयर कलर केमिकल बेस्ड होते हैं उससे आपकी स्कैल्प में इचिंग, स्किन एलर्जीज, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और यहाँ तक कि हार्मोनल इंबैलेंस भी हो सकता है, पर मैंने हेयर कलर का इस्तेमाल करना नहीं छोड़ा। पर जब मुझे पता चला कि हेयर कलर की टेस्टिंग एनिमल्स पे की जाती है और कितनी बेरहमी से की जाती है, तो मैंने हेयर कलर इस्तेमाल करना बंद कर दिया। पर मुझे हेयर कलर के लिए कुछ तो चाहिए था, तब मैंने नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए। ऐसे बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जिसे आप हेयर कलरिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हो गया मेहंदी, नील, चुकंदर का पाउडर और कॉफ़ी या चाय। हम हेना का इस्तेमाल तो कर सकते हैं बालों को रंगने के लिए, पर बहुत लोगों की तरह मुझे भी उसका ऑरेंज कलर बालों पे पसंद नहीं था। तब मैंने हेना को नील के साथ मिक्स कर लगाना शुरू कर दिया। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की मदद से आप बालों को थोड़ा सा टिंट भी दे सकते हैं, यानी कि जैसे आपने बीटरूट पाउडर को पानी में घोल के लगाया तो आपके बालों का रंग थोड़ा लाल हो जाएगा, या अगर आप कॉफ़ी को पानी में घोल के लगाएंगे तो आपके हाइलाइट्स हो जाएंगे ब्राउन गोल्डन कलर के। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ हमें थोड़ी सी पेशेंस की ज़रूरत होती है। जब केमिकल बेस्ड कलर्स को हम बालों पे लगाते हैं तो वो एक ही बारी में रंग दे देते हैं, पर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को आपको 2, 3 या 4 बारी लगाना पड़ता है और उसके बाद जाके आपके ग्रेस पूरी तरह से कवर होते हैं। अगर नेचुरल इंग्रेडिएंट से आप एलर्जिक नहीं हैं तो चांसेस हैं कि उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। पर सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपकी खूबसूरती के लिए किसी जीव को केज में रखकर उस पर लैब टेस्टिंग नहीं की जा रही।